अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फूड इज़ रेडी में आज एक नई रेसिपी चिकन नगेट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन नगेट्स बनाने के लिए हमें चिकन का बहुत ही बारीक कीमा चाहिए, जिसे मैंने चॉपर के अंदर चिकन को जो है वो बोनलेस चिकन का कीमा बना लिया है, ये 400 ग्राम है। इसके अलावा हमें इसमें एक स्लाइस चाहिए जिसे पानी में सॉक करके इसमें अभी हम इसमें शामिल कर लेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसे चॉप किया हुआ है, बहुत ही बारीक चॉप किया है, और बहुत ही बारीक इसके अंदर हरी मिर्च जो है वो हम चॉप करके डालेंगे। इसके अलावा मसालों में हमें इसमें 2 टेबल स्पून मैदा चाहिए और ब्लैक पेपर है जो कि 1 टी स्पून है। इसमें 1 टी स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है और नमक है जो कि 1 टी स्पून है, और इसमें 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस डालेंगे। सबसे पहले इस स्लाइस को पानी के अंदर हल्का सा सॉक कर लेते हैं। इस बॉल में ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर देंगे। नगेट्स का जो बैटर है वो तैयार कर लिए, इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। पानी से हल्का सा हाथ पे टच करेंगे और जिस तरह से चाहे आप इसकी शेप तैयार कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी गोली बनाएंगे। और ऐसे तैयार करके रखते जाएंगे। तमाम नगेट्स तैयार कर लिए हैं, अब इनको फ्राई करते हैं। इन नगेट्स को हम उठाएंगे, सबसे पहले मैदे में इसको कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। और इसको शैलो फ्राई करेंगे। अभी इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से ये गोल्डन होना शुरू हो गए, अब मैं इनको बाहर निकालती हूँ। चिकन नगेट्स बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये चिकन नगेट्स तैयार हुए हैं और खाने में भी बहुत लजीज और जायकेदार हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।